जय साई राम। नमस्कार, मैं ब्रजमोहन सूरी, साई ग्रंथ राइटर, रेड बुक एक्सपर्ट, मोटिवेशनल स्पीकर, स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं तुलसी के पत्ते से मनोकामना की पूर्ति। जी हां, तुलसी के पत्ते में एक विशेष प्रकार की विद्युत तरंगें निकलती हैं, जिसे हम पॉजिटिव वाइब्रेशन कहते हैं, जो व्यक्ति के शरीर पर बहुत ही अच्छा असर डालती है। हमारे ग्रंथ कहते हैं कि यदि आप तुलसी के पत्ते को अपनी जेब में या अपने पास रखते हैं तो ये पॉजिटिव वाइब्रेशन आपको मिलती रहती है, और कहीं आप तुलसी के पत्ते के पास कुछ समय बैठे रहें तो आपको विशेष शक्ति मिलती है और शरीर में से अनेक रोगों का नाश होता है। तो आज हम बात करने वाले हैं तुलसी के पत्ते से मनोकामना की पूर्ति। इसका लॉजिक क्या है? आखिर कैसे संभव है कि एक तुलसी के पत्ते से हमारी मनोकामना की पूर्ति हो? एक्चुअल में पॉजिटिव वाइब्रेशन तुलसी का पत्ता या तुलसी का पौधा अपनी ओर खींचता है, विद्युत तरंगें अपनी ओर खींचता है। तो जब हम कोई मनोकामना लेकर तुलसी के पत्ते का प्रयोग करते हैं तो उस प्रकार की विद्युत तरंगे, उस प्रकार की वाइब्रेशन हमारी ओर आकर्षित होती है, जिससे कि हमारा मनोबल बहुत अधिक बढ़ जाता है और हमारे में उस दिशा में बढ़ने की शक्ति मिलने लगती है और हमारी राह में आने वाले रुकावटें, मुश्किलें अपने आप हटने लगती हैं। तो आइए मैं आज आपको बताता हूं कि कैसे और क्या प्रयोग करके हम तुलसी के पत्ते से अपनी मनोकामना पूर्ति कर सकते हैं। गाय का शुद्ध दूध ले लीजिए, गाय का एक गिलास दूध लीजिए और तुलसी के दो पत्ते तोड़ लीजिए। बड़े प्रेम से राम राम बोलते हुए तोड़िए, उनको अच्छी तरह से धो लीजिए और दूध को उबाल लीजिए, हल्का ठंडा कर लीजिए, उसमें चीनी मिला लीजिए और दोनों पत्ते उसमें डालकर भगवान के आगे, जिस परमात्मा को, जिस गुरु को भी आप मानते हैं, उनके समक्ष रखकर प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, हम आपको दूध अर्पित कर रहे हैं, कृपया सेवन करके इसको अमृत बना दीजिए, ताकि हम जब इसका सेवन करें तो हमारे समस्त दुखों का नाश हो। हे प्रभु, हम लक्ष्मी स्वरूप तुलसी माँ को आपके समक्ष भोग के लिए रख रहे हैं, तुलसी माँ के इस पौधे का सेवन कीजिए और हमारे दुखों का नाश कीजिए और अपनी शक्तियों का वास इस अमृत रूपी दूध में भर दीजिए। कुछ फिर उस दूध के गिलास को हाथ में लेकर 108 बार अपने परमात्मा, अपने गुरु जिसको आप मानते हैं, उनके नाम का सिमरन कीजिए, जाप कीजिए और फिर जाप करते करते उस दूध का सेवन कर लीजिए। यहाँ ध्यान देने योग्य बात ये है कि तुलसी के पत्ते को चबाना नहीं है, क्योंकि तुलसी के पत्ते में पारा होता है। मेडिकल साइंस कहती है यदि आप तुलसी का पत्ता चबाएंगे तो वो पारा दांतों में लग जाएगा और दांत आपके खराब हो जाएंगे। वहीं हमारी आध्यात्मिकता, हमारे ग्रंथ कहते हैं कि तुलसी को हम लक्ष्मी माँ का स्वरूप मानते हैं, तो चबाने पर माँ का अनादर होता है, इसलिए पत्ते को चबाना नहीं, निगल जाइए और दूध का सेवन कर लीजिए। ऐसा आप लगातार कीजिए जब तक आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं होती है। सुबह कीजिए, शाम कीजिए, जब भी दिल करे, पूरे दिन में कभी भी कर सकते हैं। तुलसी के पत्ते सुबह तोड़ कर रख लें, संडे को नहीं तोड़ने हैं, इसलिए उनको पहले ही तोड़कर फ्रिज में रख लें। तो ये आप सेवन करते रहें और सेवन करने के पश्चात अपनी मनोकामना जरूर अपने मन ही मन परमात्मा के समक्ष बोलिए, दोहराइए और देखिए कि कैसे धीरे धीरे आप अपनी मनोकामना यानी अपनी इच्छा की ओर अग्रसर होने लगे हैं और आपके रास्ते में आने वाली सभी रुकावटें अपने आप दूर होने लगी हैं।
तो अब मुझे इजाजत दीजिए, यहां ध्यान देने योग्य बात है, मैं आपको बता दूं कि मैं आध्यात्मिकता के क्षेत्र में बहुत सारी वीडियो आने वाले दिनों में डालने वाला हूं। भक्ति कैसे करें, पाठ पूजा कैसे करें, ध्यान कैसे लगाएं, परमात्मा हमें कैसे मिलते हैं, परमात्मा और हम यानी परमात्मा और हम में क्या अंतर है, हम परमात्मा को कैसे देखते हैं, परमात्मा हमें कैसे देखते हैं, परमात्मा के नजदीक कैसे जाएं, परमात्मा की शक्तियों को प्राप्त कैसे करें, ये सब हम इसी चैनल पर यानी ब्रिजमोहन सूरी चैनल में देखेंगे आने वाले दिनों में। और यदि आप चाहते हैं कि आपको ये सारी वीडियो मिले तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, राइट साइड पर सब्सक्राइब लिखा है उसे दबाइए, फिर बेल का बटन निकलेगा उसको दबाइए, तो फिर जैसे ही मेरी वीडियो कोई अपलोड होगी आपको मिल जाएगी। कृपया व्हाट्सएप कीजिए यदि कोई आपका सवाल है, यदि आप अपनी जन्मपत्री दिखाना चाहते हैं। जन्मपत्री में बहुत सारे योग होते हैं, जैसे अमीर होने का योग, दुख दूर करने का योग। यदि आप इन सब योगों के बारे में जानना चाहते हैं, जन्मपत्री देखने की हमारे संस्थान की कुछ फीस होती है जो गरीबों पर इस्तेमाल की जाती है, तो यदि आप चाहते हैं कि हम जन्मपत्री देखकर कुछ बताएं तो व्हाट्सएप कीजिए। कृपया फोन मत कीजिए क्योंकि फोन करने पर यहाँ कोई फोन नहीं उठाता है। आप मात्र व्हाट्सएप कीजिए, लिखकर कीजिए, 4 या 5 दिन में आपको जवाब मिल जाएगा। तो आप मुझे इजाजत दीजिए, जय श्री राम, नमस्कार, खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए। व्हाट्सएप नंबर है 9814450802।